नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप मीणा डिजिटल लाइफ हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे जियो प्राइम में अभी अभी लॉन्च हुए कुछ बेहतरीन प्लान के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जियो ने जियो प्राइम मेंबरशिप ऑफर लॉन्च किया था तब जियो ने दो ही प्लान लॉन्च किए थे, एक तो 303 का और एक 149 का। लेकिन अभी जियो के और भी प्लान आए तो हम देखेंगे क्या है जियो प्राइम मेंबर्स के लिए और नए प्लान। तो 19 रुपये में आपको प्राइम वालों के लिए 200 MB है और नॉन प्राइम वालों के लिए 100 MB है एक दिन के लिए। 49 वालों को प्राइम वालों के लिए 600 MB है और 3 दिन के लिए वैलिड है। नॉन प्राइम वालों के लिए 300 MB है, उनके भी 3 दिन के लिए वैलिड है। और जो कॉल और SMS है वो तो सब प्लान में फ्री है, तो उनके बारे में हम अभी बात ही नहीं करेंगे, ओनली डेटा की बात करते हैं। 96 रुपये में आपको 7 GB 1 GB पर डे के हिसाब से 7 दिन तक के, ये है प्राइम ऑफर के लिए। नॉन प्राइम वालों के लिए आपको 600 MB है और 7 दिन के लिए है इसमें। इसके बाद 149 में आपका है 2 GB डेटा है, कॉल और SMS सारे फ्री है 28 दिन के लिए। और नॉन प्राइम वालों के लिए 1 GB है 28 दिन के लिए। 303 में आपका जो है 28 GB 28 दिन के लिए, 1 GB पर डे के हिसाब से आपको 28 दिन के लिए 28 GB मिलेगा 303 में प्राइम वालों के लिए। और जियो नॉन प्राइम वालों के लिए है 2.5 GB 2.5 GB 28 दिन के लिए। इसके बाद में 499 वाले में आपको 2 GB पर डे मिलेगी प्राइम वालों को, यानी कि 56 GB आपको 28 दिन में प्राइम वालों के लिए मिलेगी। और जो नॉन प्राइम वाले हैं उनको 5 GB ही मिलेगी। अब नेक्स्ट 999 वाले प्लान में प्राइम वालों को मिल रहा है 60 GB डेटा 60 दिन के लिए और कॉल और SMS फ्री, और डेली लिमिट आपको नहीं है, यानी कि आप 60 GB एक दिन में भी यूज़ कर सकते हो, डेली की कोई लिमिट नहीं है 60 दिन के लिए 999 वाले प्लान में। और जो नॉन प्राइम वाले हैं उनको 12.5 GB ही है 30 दिन के लिए। इधर देखने वाली बात है, यहाँ 60 दिन वैलिडिटी मिल रही है प्राइम वालों को, यहाँ 30 दिन ही मिल रही है नॉन प्राइम वालों को। बात करते हैं 1999 के प्लान में आपको प्राइम वालों को 125 GB 90 दिन के लिए मिल रही है। इसमें वैलिडिटी नहीं है दिन की कि आप 125 GB आप एक दिन में यूज करते हो या फिर आपको 90 दिन में, जबकि इसके विपरीत नॉन प्राइम वालों के लिए 30 GB ही है, वो भी 30 दिन के लिए, यानी कि नॉन प्राइम वालों के लिए एक महीने का, जबकि प्राइम वालों को 90 दिन के लिए ये वैलिड है। अब 4999 में प्राइम वालों को 350 GB मिल रही है 180 दिन के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए 350 GB मिल रही है, जबकि नॉन प्राइम वालों के लिए 100 GB है और वो भी 30 दिन के लिए, 1 महीना और ये है 6 महीना। अब देखते हैं सबसे बड़ा प्लान 9999 का, इसमें आपको 750 GB मिल रही है प्राइम वालों को 1 साल के लिए, जिसकी डेली लिमिट भी नहीं है, जबकि नॉन प्राइम वालों के लिए ये 200 GB ही है। प्राइम वालों को 750 GB है, नॉन प्राइम वालों को 200 GB है। और यहाँ 30 दिन की वैलिडिटी है, यहाँ पे आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। इसके अलावा आप बूस्टर यूज कर सकते हो जियो के, अगर आपके मतलब बीच में प्लान ख़त्म हो गया है तो। ये बूस्टर है 11 रुपये का
यानी कि 100 MB है, ये आपके 1 GB है 51 रुपये में, ये 91 रुपये में आपको 2 GB है, 201 में 5 GB है, 301 में 10 GB है, और इसकी वैलिडिटी आपके उस प्लान के ऊपर है। जैसे आपने 303 का 28 दिन का प्लान लिया और उसके अंतर्गत आपका जो डेटा है ख़त्म हो गया और उसमें आपने बूस्टर लगाया है, तो आपका ये वैलिडिटी उस प्लान के हिसाब से वैलिड रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।